और जल्दी से वापस आ जाइए क्योंकि हम सवाल कर रहे हैं रक्षित के साथ, कुछ बातें करेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ मजे करेंगे. प्लीज कम बैक सून, आई एम वेटिंग फॉर यू. टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एंड होली मुबारक टू एवरीवन. मेरे सामने बैठे हुए रक्षित भाई, जिनकी जेब भरती जा रही है, पेट भर गया है, मिठाई खा चुके हैं और हम 20,000 रुपए तक पहुंच चुके हैं. यानी एक नई लाइफलाइन भी आपके पास आ गई है. फ्लिप द क्वेश्चन, अगर सवाल पसंद नहीं आया तो उसको हम बदल सकते हैं. अलट पलट कर सकते हैं. वेरी गुड. कैसा फील कर रहे हो? वेरी गुड. मुझे अभी तुमने बताया कि गांधी जी पर तुम्हारे कोर्स के थ्रू तुम एक रिसर्च डिसर्टेशन कर रहे हो. जी. क्या मतलब क्या होता है? मुझे तो डिसर्टेशन का ही मतलब नहीं समझ आया. डिसर्टेशन इज अनदर वर्ड फॉर थीसिस. अच्छा. फॉर ऑब्टेनिंग आवर मास्टर्स. हिंदी में बताओ, गांधी जी के लिए तुम उनका रेलिवेंस मॉडर्न यूथ और हमारे टाइम्स के लिए उस पर रिसर्च कर रहे हो. जी. तो क्या मालूम पड़ता है? ओवरऑल सबकी अभी भी बिलीफ है, बट थोड़े बहुत सिनिकल होते जा रहे हैं लोग विद द पासिंग ऑफ टाइम. ये तुम्हारी रिसर्च से पता चल रहा है? जी, स्पेशली द यूथ, बिकॉज मेरे टारगेट ग्रुप वर द यूथ. मेरा बिलीफ बहुत है यूथ में. मुझे लगता है कि वो कुछ भी कर लें, कैसा भी म्यूजिक कर लें, लंबे बाल कर लें, इयर रिंग पहन लें, लेकिन एट द एंड ऑफ इट ऑल जो वैल्यूज हैं वो स्ट्रॉन्गर होती जा रही हैं. जी. और मैं चाहूंगा कि तुम जैसे जवान लोग इस वैल्यूज को आगे बढ़ाएं. ऑलराइट. ओके, ये मेरी एडवाइस खत्म हो गई क्योंकि मैं तुमसे सीनियर हूं. अब हम सवालों पे आते हैं. छठा सवाल 40,000 रुपए के लिए. मिस्टर कंप्यूटर, पेश किया जाए. इनमें से क्या वंशागत रक्त स्राव की बीमारी है? ए ड्रोसोफीलिया, बी हीमोफीलिया, सी नेक्रोफीलिया, डी केनाइनोफीलिया. बी हीमोफीलिया. बी हीमोफीलिया. यस. पक्का मालूम? पक्का. फ्रीज कर दूं? जी. ओके कंप्यूटर पाजी, बी हीमोफीलिया नू फ्रीज कर दीजिए. Yes, B hemophilia is the right answer. 40,000 rupees. अपने डैडी जी को बता देना, तुम मिठाई खाते हो तो तुम्हारा दिमाग और तेज चलता है, तो खाने दे बिल्कुल इनको. कॉम्पैक्ट पाजी, सातवां सवाल पेश किया जाए. महाभारत में कौरवों ने किस पांडव को जहर देकर नदी में बहा दिया था? ए अर्जुन, बी भीम, सी नकुल, डी सहदेव. इट्स डी भीम. बी भीम. सॉरी. तुम बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड लेने की कोशिश कर रहे थे कि डी भी बोलो और भीम भी बोलो, लेकिन मैं बहुत स्मार्ट हूं. बी भीम. जी. पक्का? पक्का. फ्रीज इट. जी. ओके, बी भीम रंग दिया जाए. Yes, B, Bheem is the right answer. Very well played, Rakshit. तुम बहुत 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 अच्छा खेल रहे हो. Thank you, sir. मुझे बहुत खुशी होती है कोई यहाँ पर आए और जल्दी जल्दी से सब सवालों के जवाब दे. You are very well prepared. और तुमको और मिठाई खानी हो मुझे बोलना. मेरे पास एक थिंकिंग कैप भी है, अगर कभी तुमको सोचने में तकलीफ हो मैं कैप दूंगा, वो पहन लेना, सारे जवाब आ जाते हैं. ओके. और अगर मुझे नहीं लगा तुम्हें जरूरत पड़ेगी उस थिंकिंग कैप की. रक्षित घाई फ्रॉम बड़ौदा, आठवां सवाल 1,60,000 रुपए के लिए. 3 लाइफलाइंस अभी भी बाकी हैं. मिस्टर कंप्यूटर, आठवां सवाल पेश किया जाए. किस टेलीविजन धारावाहिक में विद्या बालन ने राधिका माथुर का किरदार निभाया था? ए मैं अकेला, बी वो 10, सी तुम 3, डी हम 5. डी हम 5. डी हम 5. जी. फ्रीज कर दूं? जी. ओके मिस्टर कंप्यूटर, डी हम 5 विद्या बालन का सीरियल, फ्रीज इट प्लीज. एंड ऑफ कोर्स हमसे ज्यादा तुम ही जानते हो गए यार. डी हम 5 इज द राइट आंसर. वेल डन. अच्छा ये बताओ, जो किरदार निभाया था उसका नाम क्या था? जी राधिका. पहली बड़ी बहन थी, छोटी बहन थी, तीसरी बहन थी, चौथी बहन थी, पांचवी बहन थी, क्या था? सर वो सीरियल मैंने देखा नहीं है. और जब भी विद्या बालन बहन होती है वो सीरियल देखते नहीं तुम. ओके, नाइन्थ क्वेश्चन मिस्टर कंप्यूटर पेश किया जाए.
महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में फरवरी 2006 को इनमें से किस रोग का मामला भारत में सबसे पहले सामने आया? ए चिकुनगुनिया, बी जापानीज एंसेफेलाइटिस, सी बर्ड फ्लू, डी डेंगू। हम यहाँ पे डेंगू भी बोलते हैं। I'll use my 50-50 life. 50-50 lifeline, थोड़ा सा हाँ, it's a good thought, क्योंकि एकदम क्लियर हो जाओगे, क्योंकि अभी भी तीन lifelines हैं, दो रह जाएंगी। ओके मिस्टर कंप्यूटर कॉम्पैक्ट पाजी, 50-50 lifeline का इस्तेमाल करना चाहते हैं रक्षित भाई, तो दो गलत जवाब इनके सामने से हटा लीजिए। Flip the question. Confusion लगता है? जी। चिकनगुनिया और बर्ड फ्लू में? जी। फ्लिप करना चाहो? जी। ओके कॉम्पैक्ट पाजी, तीसरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं रक्षित, जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें आके कंफ्यूज हो गए। फ्लिप द क्वेश्चन यानी सवाल बदलना चाहते हैं, तो इन्हें ये ऑप्शन दिया जाए प्लीज। अब सोच के बताओ, तो सवाल बदल देंगे, अगर जवाब देते तो क्या देते? सी बर्ड फ्लू। सी बर्ड फ्लू, मिस्टर कंप्यूटर सी बर्ड फ्लू राइट आंसर होता? यस सी बर्ड फ्लू वुड हैव बीन द राइट आंसर, बट कोई बात नहीं, सवाल तुमने बदल लिया है, और भी सवाल आएंगे जो आसान होंगे और तुम जरूर 2 करोड़ रुपए जीत कर जाओगे यहां से। मिस्टर कंप्यूटर प्लीज फ्लिप द क्वेश्चन। रूम किस मुगल शासक का जन्म 15 अक्टूबर को 1542 में उमरकोट सिंध में हुआ था? ए बाबर, बी औरंगजेब, सी हुमायूं, डी अकबर। डी अकबर, शेरशाह सूरी हैड रिसेंटली डिफीटेड हुमायूं फादर ऑफ अकबर इन द बैटल ऑफ कनौज एंड ही वाज फ्लीइंग टुवर्ड्स द वेस्ट एंड एट दैट टाइम ही वाज पासिंग थ्रू सिंध, दैट्स वेयर अकबर वाज बॉर्न। तो फिर यार तुम ही बोलो डी अकबर फ्रीज जी, मैं तो चले जाता हूँ वहां से। मिस्टर कंप्यूटर कॉम्पैक्ट पाजी, आपकी नौकरी तो गई, डी अकबर फ्रीज कर दीजिए। एंड यस डी अकबर इज द राइट आंसर। थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेंगे, थोड़ी मिठाई और खाएंगे, जल्दी से वापस आएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, हम यहां पर आपका इंतजार कर रहे हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे साथ बैठे हुए हैं रक्षित भाई बड़ौदा से, और मैं सबको कहना चाहूंगा कि अभी तक, हालांकि जरूरी नहीं कि मुझे इतनी जानकारी है, लेकिन अभी तक मैं जितने भी कंटेस्टेंट्स के साथ खेला हूं, मुझे लगता है यू आर द स्मार्टेस्ट नाइसेस्ट फास्टेस्ट कंटेस्टेंट दैट आई हैव प्लेड विद रियली, एंड यू वेदर यू विन 2 crores और नॉट, यू रियली आर द, फॉर मी यू आर द चैंपियन। ओके सो प्ले वेल, और मुझे बताओ तुम कि स्कूल के वक्त जब तुम क्विजिंग वगैरह करते थे या नॉलेज के अंदर, हमारा ऐसा, हम भी बचपन में बहुत ऐसे बुद्धू थे, तो हम लोग ऐसा क्या जो भी क्विज विज करता था तो उसका मजाक उड़ाते थे, तुम्हारे दोस्त भी करते थे? जी सर। क्यों, अभी उनको क्या बताना चाहोगे? They still do it even today. अभी भी करते हैं। मैं एक बात सबको बताना चाहूंगा कि हम सब की अलग अलग चीज की चीज में खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, और बच्चों स्पेशली इस बात को याद रखो कि अगर